चलें बस बढ़िया भाई, सब्सक्राइब कर लेना कर रहे हो भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आपका स्वागत है फिर से एक मेरे नए वीडियो में। तो अभी हम जा रहे हैं किसी काम से KTM शोरूम में, वहां जाके बताता हूं आपको क्या काम है। और यार देखो ट्रैफिक कितना ज़्यादा है यार शालनगर में, भाई साहब जगह ही नहीं छोड़ रही किसी ने जाने के लिए कहीं भी। भाई मुझे भी निकलने दो यार, कब निकलने देंगे। ओ भाई बहुत तगड़ी है भाई, भीड़ बहुत तगड़ी हो रही है। क्या हाल है? बस बढ़िया भाई, सब्सक्राइब कर लेना हाँ अच्छा कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लेना। कैमरा तो ऑन है आपका? हाँ कैमरा ऑन है, आप व्लॉग में हो। अच्छा हाँ उस टाइम में थोड़ा जल्दी में था। हेलो चलो मिलते हैं ब्रो। ओके ओके चलो थोड़ा आगे ले लूँगा इसको, ये वाला कर लग जाएगा। हाँ तो ऐसे भाई लोग मिलते रहते हैं अपने, कह रहे हैं आपको मैंने कहीं देखा था पहले भी। बट क्या यार ये हेलमेट इतना टाइट है ना, इसमें दिखता नहीं है कुछ भी, समझ नहीं आता क्योंकि सुनाई नहीं पड़ता, नहीं है ना बिल्कुल ब्लॉकेज है एकदम, तो अंदर पता ही नहीं लगता है कुछ, कौन चिल्ला रहा है कौन बोल रहा है। तो जो भी भाई अगर मुझसे रास्ते में मुझसे टकराते हैं कहीं मिलते हैं तो भाई रोक लिया करो यार, हाथ वाथ देखे जैसे भाई ने रोका, पता नहीं लगती यार ऐसे में ना, हेलमेट में इतना पता नहीं लग पाता मुझे, जाने का कब देंगे ये। हाँ भाई खोल दे तू गेट, गेट पहले खोल दे। तो चलते हैं अभी भाई, निकलने दे भाई, निकलने ही नहीं देंगे क्या आज, मुझे लग रहा आज। ओ भाई पीछे भी देख ले, पहले इस जमगढ़ से बाहर निकलते हैं। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे राइट अंकल, ताऊ पहले बात कर ले, अभी चलते हैं, मुझे थोड़ा काम कराना है KTM शोरूम में। बाइक में ना मेरा इंडिकेटर की दिक्कत आ रही है, जैसे आपको पता है कि मेरे एक साइड का इंडिकेटर जलता नहीं है, खराब हो गया है, तो वो चेंज कराना है। कल भी मैं गया था बट क्या था, वहाँ टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं थे। भाई ने कहा जो मैनेजर है वहाँ पे सागर भाई अपने, उन्होंने कहा कि आप कल आ जाना, कल मेरे टेक्नीशियंस भी आ जाएंगे। तो वैसे अगर आपको भी KTM की कोई भी बाइक या कोई भी प्रोडक्ट देखना है ना, तो आप KTM हरिद्वार आएँ, सबसे बेस्ट मैनेजर है, सबसे बेस्ट स्टाफ है, आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ओहो ठंडा लग रहा भाई जड्डा जड यार, सबसे बढ़िया लाइफ है कुत्ते की, देख टेंशन फ्री घूम रहा मुझे से। एक हमें जॉब जाओ, पढ़ाई करो, स्कूल करो, कॉलेज करो, जिम्मेदारी निभाओ, शादी करो, अरे कुत्तों का बढ़िया है टेंशन फ्री। और तुम्हें खुशखबरी दूं, तुम्हारे भाई का एड्रेस वेरिफिकेशन हो चुका है, अभी मैंने अप्लाई कर दिया है पिन के लिए, पिन आ जाएगा मेरा एक आध महीने में आ ही जाएगा, तो पिन डाल देंगे। पंगे कर रहे हो भाई, पंगे पंगे मत करो यार, तुम तगड़े पंगे कर रहे, तो पिन आ जाएगा तुम्हारे भाई का। आप लोग को सपोर्ट है यार, जो भाई तुम्हारा भाई का पिन आने वाला है, ऐसा सपोर्ट अपना बनाए रखना। पर मैं तो भूल ही गया कि मेरा इंडिकेटर ही नहीं चल रहा, पीछे मैंने इंडिकेटर दे रखा और वही इंडिकेटर चेंज करवाना है। सर भाई कितनी मेहनत कर रहा है ये लड़का, इतना आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा। ये देखो अंकल जी का हेलमेट नहीं है, छपरी अंकल हट जाओ छपरी अंकल। ये छोटी मोटी गाड़ियों में टच कर देता तो नुकसान हो जाता भी। ओ
और ये हम पहुंच गए सिंह द्वार, और यहीं पे हमारा KTM का शोरूम है जिसके नीचे है बजाज का शोरूम, पुष्पक बजाज पूरे शोरूम का नाम है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। और देखो हम पहुंच गए भाई, ये रहा अपना शोरूम आ गया यहाँ पे, अपने शोरूम में चलते हैं। नई नई गाड़ी आ रखी भाई, चलते हैं यार पहले मैनेजर से मिलते हैं। क्या हाल है भाई जी? बढ़िया यार। इंडिकेटर इंडिकेटर कल थोड़ा नहीं है, चलता नहीं है वो, नया लौट आ गया। ए रहा नहीं जाता है? अरे क्या बारा, जब मेरे को चाहिए था तो आया नहीं। ये वाला अच्छा लग रहा ना, सेम प्राइस है ये? गजब यार, ये वाला भी बढ़िया लग रहा, प्योर ब्लैक। वो पर इसकी बात अलग लग रही, प्योर ब्लैक लग रहा ना, ब्लैक पैंथर टाइप। सही है, बढ़िया है, ये अच्छा लग रहा ना। ऑरेंज ही है इसका तो, पंच कलर तो ऑरेंज ही है। हाँ तो गाइस ये अपना नया कलर RC का, इसमें 390 का भी आया कलर, मुझे तो सेक्सी ये लग रही है भाई, सबसे बढ़िया। अपन लेंगे तो ये लेंगे बाद में कभी, क्या मस्त लग रही है। हाँ एक तो ये आ रहा है ना प्योर, एक ही कलर हो रहा है ठीक है, नीचे फेयरिंग पे ऊपर इसमें ब्लैक, इधर भी ब्लैक, मस्त लग रहा है यार। इसमें 390 में भी आया कलर, सेम आएगा, मज़ा आ जाएगा फिर तो। पर ये बढ़िया लग रहा है देखो, ये इसका ये ब्लैक ही आएगा। अब सही लग रहा है ये, पहले के कंपैरिजन में अब सही लग रहा है। इसके प्राइस और उसमें प्राइस में फ़र्क नहीं है फिर? नहीं, सेम है भाई, बढ़िया लग रहा है। मैंने यही नज़र पे पढ़ी पहले, सबसे पहले। अरे यार इंडिकेटर ना चलता ही नहीं है, एक साइड पीछे का, करवा दो जरा उसको। पानी क्या पीना? पानी है? हाँ तो मंगा दो। नहीं नहीं नॉर्मल यार, तबीयत खराब हो रही है। हाँ नॉर्मल, हाँ ड्यूटी से तो आ रहा हूँ, सर में दर्द हो रहा अभी तक मेरे। ओके भैया, ओ भाई गजब, क्या हाल है सागर भाई? बढ़िया। और आज इंडिकेटर करवा दो चेंज, पूरा जखीरा आ गया है। पूरा भर गया अब तो शोरूम, रुड़की में भी चालू हो गया। चलो बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो गाइज एक जो शोरूम है हमारा भाई का, वो खुल गया है रुड़की में भी। तो अगर कोई रुड़की का बंदा है, या फिर अगर हरिद्वार का है तो हरिद्वार से ले सकता है, और अगर रुड़की का है तो मच बेटर है कि रुड़की से ले लो। बट जो नए कलेक्शन आए हैं ना, जो RC नहीं आई है 200, काफ़ी मस्त लग रही है यार। ये वाला जो कलर है मेरे को काफ़ी फेवरेट लग रहा है, देखो क्या मस्त लग रही है। तो भाई इस जगह को बोलते हैं जन्नत। ये देखो पूरा भाई KTM ही KTM भरी पड़ी है भाई। जो बाइक लवर्स होंगे ना, उनको मेरी फीलिंग का एहसास होगा,
जो नहीं होंगे उनको नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो यार देखो कितनी बढ़िया लग रही है ये वाली बाइक। यहाँ पे कम से कम 25-30 KTM खड़ी हैं और सारी सारी नए। एक ये मतलब पुराना मॉडल है जो मेरा वाला है, देखो बहुत सारे खड़े हैं ऑरेंज वाले, और ये वाला देखो कितना गजब लग रहा है। मतलब मस्ती मस्त हर जगह, मतलब आनंदमय हो रहा है बिल्कुल। और एक कलर है जो 125 का ना, ये भी काफ़ी प्यारा लगता है ये वाला जो खड़ा है, ये भी काफ़ी पंची कलर है, दूर से चमक जाता है। पर जो नया है ये वाला, जो MotoGP एडिशन आया है ये वाला, एक नंबर लग रहा है, एक नंबर। अगर कोई ले रहा है ना MotoGP, अगर ये ले रहा RC ले रहा है तो MotoGP एडिशन है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, देखो एक नंबर है भाई, एक नंबर। इसके जो विंडशील्ड है ये वाली, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और ऐसे नए नए पंची कलर आ रखे हैं, देखो ये 200 का, ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है। ये 390 250 है ये, और देखो 250 में भी ना अब ये वाली आ गई, देखो ये वाली जो आती है 390 वाली हेडलाइट, मस्त लगती है। तो देख लो यार, इतनी मस्त मस्त लग रही है, मतलब मन ही नहीं करता ऐसी जगह से जाने का, पर क्या करें, जाना पड़ता है, क्या करें। अच्छा आ गई अपनी वाली, इसका इंडिकेटर चेंज होना है, एक साइड का इंडिकेटर इसका जल ही नहीं रहा, तो ये वाला जो इंडिकेटर है ये चेंज कर देंगे, अभी नया डाल देते हैं इसमें, पहले चेक करेंगे अगर ये रिपेयरेबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें नया डालेंगे। तो भैया ऊपर ले आ गए आगे गाड़ी, गाइस भैया ने चेक किया इसको, इस साइड का इंडिकेटर मैं राइट साइड का एक खराब ही है, मैं सोच रहा था कुछ जुगाड़ हो जाए बाहर से हिला गया, बट हो नहीं रहा, इसलिए इसे चेंज ही करना पड़ेगा। तो अभी इसको चेंज करके नया लगवा लेते हैं इसमें। तो गाइस अपनी जो गाड़ी का काम था वो पूरा हो चुका है, तो इसमें नॉर्मल सेटिंग्स हुई हैं जो डिस्टर्ब हो रखी थी, थोड़ी बहुत ऑयलिंग हुई है, और अपना जो राइट साइड का इंडिकेटर था वो भी चेंज हुआ है। तो फर्दर फ्यूचर की जो सर्विसेज होंगी ना, उसमें मुझे एक तो इसके क्लच वायर चेंज कराने है और इसका चेन सेट चेंज कराना है, अभी नहीं करा पाया क्योंकि थोड़ा बजट का इशू था। तो गाइस हमारी बिलिंग हो चुकी है और गेट पास हमें मिल चुका है, तो हम कहते हैं भाई को गुड बाय, तो थैंक यू भैया, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो भाई चलो यार अपनी बाइक बाइक उठाते हैं और चलते हैं सीधा घर, क्योंकि रात का टाइम भी हो चुका है। हाँ लग रहा, देखने से लग रहा है, हाँ ऐसे करते ही ना रैप करते जा रही है, नहीं तो ये बिल्कुल घुमा दो, तुम जाती नहीं है। चलो चलो ब्रो मिलते हैं, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो भाई ने काफ़ी अच्छी खैरियत करी बाइक की, तो मिलते हैं, चलो ठीक है ब्रो, हैं ओके। ओ भाई भाग रही है तो खतरनाक, ओ भाग रही भाई, मजा आ गया अब तो। ये तो अभी तक क्लच इतना टाइट चल रहा था ना, अभी इतना बढ़िया चल रहा है, अलग ही मज़ा आ रहा है देखो। ओ भाई ओ हो मज़ा आ गया मज़ा। अब तो भाग रही थे यूँ करते ही धूम धूम भाई गजा। भाई ने थोड़ी बहुत ऑयलिंग ग्रीसिंग करी ना यहाँ पे इसके क्लच व्लच में भी डाल के, तो बढ़िया चल रही है मस्त, अब मज़ा आ रहा है चलाने में। तो अभी चलते हैं यार रूम में, और आज मैंने देखा कि काफ़ी नई नई बाइक्स आई थी, जिसमें कि मुझे RC का जो MotoGP एडिशन है वो काफ़ी मस्त लगा यार, मतलब गजब था यार, मज़ा आ गया। मैं देखो क्या जगमगा रहा है मार्केट, बिल्कुल लबालब गड्ढा, गजब लग रहा है यार गजब भाई, कितना बढ़िया सजा रखा है ये प्लैनेट फैशन। तो गाइस जो आज का जो ब्लॉग था वो इतना ही था, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने भाई को सपोर्ट करना कि। तो चलिए भाई टाटा।